आज दोस्तों हम मैगी नूडल्स स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। ये झटपट बन तो जाते ही हैं, पर ये बहुत ही क्रिस्पी भी होते हैं, बिल्कुल मार्केट की तरीके से। चलिए इन्हें मैं काट के चेक कर लेता हूँ। देखिएगा कितनी अच्छी फिलिंग के साथ बने हुए हैं, और ये फिलिंग मैगी से बनी हुई है, और इनकी आवाज़ तो सुनिए कितने क्रिस्पी हैं ये। तो फिर क्या, झटपट से बनने वाले मैगी नूडल्स स्प्रिंग रोल बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रोफेशनल ट्रेनर बोलो एक बार स्वागत है। तो आज दोस्तों मैगी नूडल्स स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। ये झटपट तरीके से बन भी जाते हैं और बिल्कुल इनका स्वाद जो है मार्केट की तरीके से आता है। चलिए तो देर ना करते हुए इसे झटपट बनाना शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसके बगल में जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे जरूर दबा दें ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल बनाने के लिए उसकी सीड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए लिया हुआ है मैंने एक कटोरी अरारोट, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, और मैंने यहाँ आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा मैदा ली हुई है। चलिए तो फिर इसकी सीड बनाना शुरू करते हैं। अब हम इस तरीके का एक बड़ा बाउल ले लेते हैं, और इसमें हम मैदा और अरारोट मिला लेते हैं। अब इसमें हम जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डालेंगे ताकि मैदे में और अरारोट में गुठलियाँ ना पड़ें, और हम अगर एकदम से पानी डाल देते हैं तो इसमें गुठलियाँ पड़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिलाते जाएंगे। आप चम्मच की सहायता से मिलाएं या हाथों की किसी की भी सहायता से आप इसे मिला सकते हैं, बस इस तरीके से हमें इसे मिलाना है। अब इसमें फिर थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं और फिर इसको मिला लेते हैं। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए जिससे हमारे स्प्रिंग रोल की सीट अच्छी तरीके से बने। हल्का सा पानी इसमें और डाल देते हैं, बस हमें इस तरीके का बैटर चाहिए था। चलिए अब स्प्रिंग रोल के लिए हमारा बैटर तो बन के तैयार हो गया है। तो अब हम गैस पर तवे को गर्म होने के लिए रख देते हैं। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि तवा जो हमारा नॉन स्टिकी होना चाहिए, और बैटर हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बिल्कुल हमें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की रखनी है, ना ही ये ज़्यादा पतला हो ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा हो। अब नॉन स्टिक का तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इस पर जो है हम बैटर को डाल देते हैं। बस हमें तुरंत बैटर को डाल के इस तरीके से फैला देना है और इसको तुरंत वापस पलट देना है उसी बैटर में। अब हम स्प्रिंग रोल की सीट को इस तरीके से सेंकेंगे ताकि किनारे से आसानी से छूट जाए, तो बिल्कुल हमें इसी तरीके से करना है ताकि हमारा स्प्रिंग रोल अच्छी तरीके से सिके और किनारे से बहुत ही आसानी से छूट जाए। देखिए कितनी आसानी छूट रहा है, बस इसी तरीके से। लीजिए बनके तैयार है, इसको हमें ज़्यादा नहीं सेंकना है। देखिएगा कितनी अच्छी स्प्रिंग रोल की सीट बनके तैयार है, और देखिएगा कितनी ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल हमें इसी तरीके से बनानी है। अब इसी तरीके से हम दूसरा ही बना लेते हैं। देखिएगा ये भी आसानी छूट जाएगी, बस इसी तरीके से हमें इसे खींच देना है, और इसको जो हमें पीछे साइड से नहीं, यानी कि जिस साइड मैंने सेंका नहीं है उस साइड इसको हमें पलट के रखना है। अगर नॉन स्टिक पैन पर सीट निकालने के बाद इस तरीके की गंदगी रह जाए तो इसे आप आसानी से कपड़े से पोंछ दें और फिर आप दूसरी सीट बना लें। चलिए तो इसी तरीके से मैं एक और आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिएगा कितनी आसानी से बन रही है। लीजिए ये भी बन के तैयार है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। अब हमने सभी स्प्रिंग रोल की सीट बना ली है, देखिएगा कितनी अच्छी लग रही है, बस इसी से मार्केट में भी स्प्रिंग रोल बनाए जाते हैं। चलिए तो स्प्रिंग रोल की फिलिंग बनाने के लिए नूडल्स भी तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी को डालकर गर्म होने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ लगभग 350 ml या 1.5 गिलास जितना पानी लिया है। अब पानी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें तोड़कर हम मैगी डाल देते हैं। मैंने यहाँ 2 12-12 रुपये वाले मैगी के पैकेट लिए हैं, आप चाहें तो 12 रुपये वाला एक मैगी का पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आप 5-6 आसानी से स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। अब मैगी को हम बिना ढके हुए उबाल लेंगे। यहाँ हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैगी को हमें ज़्यादा नहीं उबालना है, यानी कि सिर्फ हमें इसे इतना उबालना है कि यह पक जाए, और अगर मैगी नूडल ज़्यादा उबल जाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे और हमारे स्प्रिंग रोल भी बहुत बेस्वाद बनेंगे, यानी उनमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा, बिल्कुल चिपके चिपके लगेंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि मैगी नूडल्स को आपको ज़्यादा नहीं उबालना है। अब इसको तुरंत एक चलनी में निकाल लेते हैं और इसको इस तरीके से चम्मच से चला देते हैं। और हाँ, अगर मैगी नूडल्स थोड़े से आपको लग रहे हैं कि सही उबल गए तो तुरंत इसे आप ठंडे पानी से धुल लें ताकि ये और ज़्यादा ना पक सकें। तो मैं इन्हें ठंडे पानी से तुरंत धुल दूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि और पकने वाले हैं। अब हम नूडल्स को फ्राई करने के लिए एक पैन गर्म होने के लिए रख देते हैं और उसमें 2 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब इसमें जो हम लंबा कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। यहाँ आप ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम जो मीडियम टू हाई होनी चाहिए। अब प्याज हमारा भुन चुका है
तो अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देते हैं। मैंने यहाँ एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है, आप अपने अनुसार मिर्च बड़ा घटा भी सकते हैं। अब इसमें हम लंबी कटी हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं। यहाँ हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब इसमें हम पत्ता गोभी डाल देते हैं, ये भी मैंने लंबा काटा हुआ था स्लाइस में। इसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, अगर ये ज़्यादा कुक हो जाएगी तो सब्जी में जो है क्रंचपन ख़त्म हो जाएगा। और हाँ, गैस की फ्लेम भी स्लो नहीं रखनी है, इससे भी जो है सब्जियों का क्रंचपन कम हो जाता है। अब सब्जी हमारी हल्की सी पक चुकी है तो इसमें हम मैगी मसाला डाल देते हैं। और अब इसमें उबली हुई मैगी नूडल्स डाल देते हैं। और अब हम मैगी नूडल्स को इस तरीके से कलछल की सहायता से तोड़ देंगे ताकि ये छोटे छोटे पीस में आ जाए और इसको भरने में दिक्कत ना हो। मैं इसमें ना तो ज़्यादा सब्जियाँ यूज़ कर रहा हूँ और ना ही ज़्यादा मैंने इसमें सॉस यूज़ किए हैं। अगर आप इसे चाइनीज़ टच देना चाहते हैं तो आप इसमें सोया सॉस, वाइट विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सब्जियाँ बढ़ाना चाहें तो अपने अनुसार कोई भी सब्ज़ी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप इसमें मटर डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप वो उसमें यूज कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, क्योंकि मसाले में पहले से ही नमक था लेकिन इसमें नमक थोड़ा सा कम होता है, इसलिए मैंने इसमें लगभग आधी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला है। और अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। लीजिए, फिलिंग तो हमारी बनके तैयार हो गई है, चलिए अब स्प्रिंग रोल को बनाना शुरू करते हैं। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए जो मैंने घोल बनाया था उसे मैंने थोड़ा सा कटोरी में निकाल लिया था। अब हम स्प्रिंग रोल बनाने के लिए एक स्प्रिंग रोल की सीट ले लेते हैं। और अब सीट के बीच में हम जो है मैगी नूडल्स डाल देते हैं। हमें बीच में मैगी के नूडल्स डालना है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और अब इस पर जो मैंने सेलरी बनाई थी, यानी जो मैंने घोल बनाया था, उसे इस तरीके से लगा लेते हैं और इसको इस तरीके से मोड़ देते हैं। और इसके ऊपर भी घोल लगा देते हैं और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, यानी कि मोड़ देते हैं। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको घोल अच्छी तरीके से लगाना है, नहीं तो यह बड़ी आसानी से फट सकती है। लीजिए, एक एक करके मैंने सभी स्प्रिंग रोल तैयार कर लिए, अब इनको सेंक लेते हैं। और अब स्प्रिंग रोल सेंकने के लिए हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल लेते हैं। इसे सेंकने के लिए हम यहाँ रिफाइंड ऑयल ज़्यादा लेंगे, इसलिए मैंने कढ़ाई में ज़्यादा रिफाइंड ऑयल डाला है ताकि स्प्रिंग रोल हमारे अच्छी तरीके से सेक सकें। अब तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम एक एक करके इसमें सभी स्प्रिंग रोल डाल देते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को मीडियम रखनी है, ना तो इसको ज़्यादा हमें हाई रखना है और ना ही इसको ज़्यादा हमें स्लो रखना है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर सेंकेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सिक सकें। अगर आप स्प्रिंग रोल को तुरंत ना खाना चाहें तो आप इसे हाफ फ्राई भी कर सकते हैं। अगर इसे हाफ फ्राई करना हो तो इसको आप थोड़ा सा हल्का फ्राई करें, और जब भी आपका खाने का मन हो तो आप फिर तेल को गर्म करें और उसमें जो है अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। लेकिन हम यहाँ स्प्रिंग रोल को हाफ फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम फुल फ्राई करेंगे। चलिए, स्प्रिंग रोल तो हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, यानी कि खाने के लिए तैयार हैं। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे सेके हुए हैं ये, बस हमें इसी तरीके से सेंकना है, इनको हमें अच्छी तरीके से सेंक लेना है।